वेलकम गाइस, मेरा नाम है अमित। मेरे चैनल दिल्ली डीटीसी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक और लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने अब 900 से 1000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर चलाने की अनुमति दे दी है। साथ ही दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट अब 1300 लो फ्लोर वाली बसें भी लाने का सोच रही है। कुछ 300 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर वाली बसों को दिल्ली परिवहन ने चलाने के लिए कंफर्म कर दिया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से CNG गैस पर निर्भर करता है। इसलिए दोस्तों दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब दिल्ली की सड़कों पर 1 या 2 साल के अंदर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। दोस्तों, इन बसों में आपको GPS मॉनिटर सिस्टम, पैनिक बटन एंड CCTV कैमरे और भी बहुत सारी सुविधाओं के साथ ये बस लैस रहेगी। दोस्तों, इन बसों की बैटरी चार्ज करने के लिए सरकार ने हर 3 किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग पॉइंट लगाने का सोच रही है। और दोस्तों, ये इंडिया का पहला शहर बन गया है AC लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों का, जो दिल्ली के नागरिकों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। जैसे कि दिल्ली में प्रदूषण जैसी समस्या कम होगी और CNG गैस की बचत होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत होता है, जिसका असर दिल्ली के आसपास के शहरों में भी देखा जाता है। जिसके कारण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ सालों पहले ऑड इवन लागू किया था। अब दोस्तों हम आपको इन बसों में लगे CCTV कैमरों के बारे में बताते हैं। हर बसों में 3 CCTV कैमरों के साथ एक पैनिक बटन दिया जाता है। अगर किसी महिला या सीनियर सिटीजन के साथ कुछ भी गलत व्यवहार होता है तो इस बटन को दबाते ही सीधे दिल्ली परिवहन निगम के कंट्रोल रूम में उस बस में जो भी क्राइम हुआ होगा उसकी वीडियो फुटेज सीधे कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी। दोस्तों, इन कैमरों की लगने की वजह से दिल्ली के लोग और महिलाएं इन बसों में सेफली ट्रेवल कर सकते हैं। और दोस्तों, दिल्ली सरकार ने आपकी टिकट जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चार्टर ऐप निकाला है, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस ऐप के जरिए आप बारकोड स्कैन करके गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, जिससे आपका कीमती समय भी बचता है और आपको ट्रैवल करने में सुविधा मिलती है। और दोस्तों, इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेव रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करिए, हमेशा मास्क पहनिए, अपने आसपास के लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखिए, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और दोस्तों, अगली वीडियो आपको जिस बस रूट की चाहिए हो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।